नमस्ते दोस्तों आज हम बात करेंगे डायबिटीज के घरेलू इलाज की ग्वारपाठा जिसे एलोवेरा भी कहते हैं डायबिटीज के लिए किसी वरदान से कम नहीं है डायबिटीज की घरेलू दवा बनाने के लिए एलोवेरा का जेल यानी कि एलोवेरा का गूदा निकालकर काम में लेना होगा ग्वार पाठा या एलोवेरा आजकल बाजार में सब्जी की दुकानों और जूस की दुकानों पर भी बहुत आसानी से मिल जाता है एलोवेरा का जेल निकालने के लिए एलोवेरा की एक पत्ती का एक छोटा टुकड़ा काट लीजिए इस टुकड़े के दोनों तरफ जो काटे हैं इनको चाकू से हटा दीजिए फिर एक तरफ से इसका छिलका पूरी तरह से हटा दीजिए अब आपको एलोवेरा जेल दिखाई देने लगेगा इस जेल को आप चाकू की हेल्प से निकाल लीजिए आपको एक कटोरी में एक चम्मच एलोवेरा जेल लेना है अगर आपने ज्यादा मात्रा में एलोवेरा जेल निकाल लिया है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और अगले दिन काम में ले सकते हैं अब इस एक चम्मच एलोवेरा जेल में आपको तेज पत्ता पाउडर और हल्दी पाउडर मिलाना है तेज पत्तों को पीस कर इनका पाउडर बनाकर रख लीजिए आपको तेज पत्ते के इस पाउडर की एक चौथाई चम्मच इस एक चम्मच एलोवेरा जेल में मिलानी है साथ ही हल्दी पाउडर की एक चौथाई छोटी चम्मच इसमें अच्छी तरह मिला लीजिए इसे आप सुबह के समय सोकर उठने के बाद फ्रेश होकर खा लीजिए ऐसी ही एक और डोज शाम के समय या रात को बनाकर ले लीजिए डायबिटीज की इस घरेलू दवा को हर रोज दिन में दो बार आपको लेना है इसको लेने पर ब्लड में शुगर की मात्रा तुरंत कंट्रोल होने लगती है डाइजेशन सिस्टम ठीक होने लगता है इंसुलिन बनने और उसके शरीर में सही मात्रा में पहुंचने की क्रिया भी ठीक होने लगती है दो से तीन हफ्तों में ही डायबिटीज ना के बराबर रह जाती है आप इस उपचार को लगातार तब तक यूज कर सकते हैं जब तक की डायबिटीज ठीक ना हो जाए